MIUI चाइना बेस्ड एक रोम आया हुआ है अरिजीत साह की तरफ से। हालांकि ये रोम जो है आपका काफ़ी स्मूथ UI के साथ आता है और गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छे इसके अंदर मिलने वाली है। बैटरी के बारे में बताऊंगा किस तरीके से आपको मिलती है इसके अंदर में और इसे इंस्टॉल कैसे करना है उसके बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। हालांकि इसका जो नेम है MIUI 12.5 हाइस या फिर हेज अगर आप बोलो, जो कि 21.11.24 पे बेस्ड है, चाइना बीटा रोम पे बेस्ड है। तो अब देखते हैं इसके अंदर में और क्या कुछ मिलने वाला, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। MIUI 12.5 का 21.11.24 बेस्ड चाइनीज ये रोम है और इसके ऑल स्पेक्स के अंदर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ये ओवरक्लॉक्ड है, एंड्रॉयड वर्जन 11 के साथ आता है और सिक्योरिटी पैच दिसंबर 2021 की है। कर्नल डीगल का वर्जन 13 है और ये ओवरक्लॉक कर्नल और ओल्ड कैम है। कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर में कास्ट का बग रहेगा। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी के अंदर वॉलपेपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएंगे, लेटेस्ट वॉलपेपर देखने को MIUI 13 वाले मिल जाते हैं इसके अंदर में, जो कि आपके लाइट और डार्क मोड बेस्ड पे रहते हैं। यानी कि आप डार्क मोड करोगे तो डार्क मोड जैसे हो जाएंगे, लाइट पे लाइट मोड जैसे रहेंगे। बाकी आपका यहाँ पे ये कुछ और वॉलपेपर्स मिल जाते हैं जो कि ये भी आपके डाउनलोडेड उसी टाइप से हैं, और फिर यहाँ पे भी MIUI 13 के मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके वॉलपेपर की कमी नहीं है MIUI 13 वाले देखने की, इसके अंदर लेटेस्ट जो वॉलपेपर्स हैं वो मिल जाते हैं। बाकी थीम स्टोर आपका वही चाइनीज़ वाला ही रहेगा, इंपोर्ट आप कर पाओगे इसके अंदर में, और इंपोर्ट करने जब भी अप्लाई करोगे कंपेटिबिलिटी वाला वो फिलहाल शो करेगा पॉपअप। और लॉक स्क्रीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिलहाल टैप टू बैक काम कर रहा है, चार्जिंग एनिमेशन एक आपको नॉर्मल मिल जाएगा और डिस्प्ले के अंदर में रीडिंग मोड कलर स्कीम दोनों ही काम कर रहा है, रोटेशन भी वर्किंग है। साउंड के अंदर MI साउंड सेंसर का बग रहेगा, बाकी नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर आपका सेम रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं। होम स्क्रीन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको एपबोल्ट की सेटिंग्स मिल जाती है, लेटेस्ट एपबोल्ट इसके अंदर आपको मिलता है। होम स्क्रीन सर्च बार है और सिस्टम नेविगेशन भी यहीं पे है। बाकी जैसे कि आपको बताया था एनिमेशन काफ़ी स्मूथ इसके अंदर में, और बिल्कुल एनिमेशन आपको फुल एनिमेशन इसके अंदर मिलता है। तो नेविगेशन बटन आप यूज़ करो या फिर जेस्चर यूज़ करो, दोनों पर ही आपको जो है काफ़ी अच्छा एनिमेशन के साथ मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आती और बिल्कुल स्मूथ ये काम कर रहा है। टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, बाकी फिर नीचे रेंज आइटम इन रिसेंट मिल जाता है। वहीं अगर हम पासवर्ड एंड फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक की बात करें तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों काम कर रहा है। सिक्योरिटी आपको मिल जाता है, हालांकि ये सिक्योरिटी आपका सेम रहेगा जैसे कि बाकियों में देखते हो उसी तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम सारी सेटिंग्स मिल जाती है, MIUI वार्निंग ये सारी चीज़ें। बाकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेटेस्ट है। और बैटरी की अगर बात करें तो बैटरी बैकअप उससे आपको इसके अंदर ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, ठीक ठाक है, जैसे नॉर्मल बैलेंस पे बैटरी मिल जाएगी उसी तरीके से है। अच्छी बैटरी चाहिए तो फिर आप इसके अंदर नॉन OC वाला कर्नल फ्लश कर देना तो बैटरी आपको बेटर मिलेगी। बाकी ऐप्स के अंदर आपको मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट तो मिल जाता है, लेकिन डुअल ऐप इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐप लॉक है वो काम कर रहा है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज दिखा दो तो लैंग्वेज भी ज़्यादा नहीं मिलेगी, बस इतनी ही लैंग्वेज आपको मिलेगी जैसे कि चाइनीज बेस्ड में मिलती है। रीजन आप चेंज नहीं कर सकते इसके अंदर, नहीं ऑप्शन। बाकी LED लाइट काम कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स यहीं पर मिल जाती है, बाकी इनेबल करने के लिए आप टॉगल के थ्रू कर सकते हो स्टेटस बार से, वहाँ से हो जाएगा। बाकी आपका ये जो है यहाँ पर सेटिंग मिल जाती है, और फिर नीचे मेमोरी एक्सटेंशन भी दिया गया जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और अब चलते हैं स्क्रीन टाइम की तरफ, तो यहाँ पे फोकस मोड आपको मिल जाएगा डैशबोर्ड, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल फीचर्स के अंदर में स्मार्ट टूल बॉक्स मिल जाता है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, और फ्लोटिंग विंडो है। सेकंड स्पेस इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, बाकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन लैब देखने को मिल जाएगा और लाइट मोड है, और बाहर फिर अकाउंटेंट सिंक मिल जाता है। अब एपबोल्ट की बात करें तो एपबोल्ट जैसे कि आपको बताया इसके अंदर लेटेस्ट वाला एपबोल्ट देखने को मिल जाता है, और जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे काम कर रहा है, और यहाँ पे भी आपका एनिमेशन में ऐसे कोई लैग नहीं, काफ़ी स्मूथ है। और एडिट में ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके वॉल्यूम पैनल की तरफ, तो उससे पहले सबसे पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पे इसके विजेट्स, तो ये भी जो है यहाँ पे लेटेस्ट वाला ही मिलेगा विजेट्स जो है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे विजेट्स भी लेटेस्ट मिल जाएगा, बाकी फिर नीचे ज़्यादा जाओगे तो आपको डाउनलोड और करना पड़ेगा विजेट्स, उसके बाद आप यूज़ कर पाओगे। और अब बात करते हैं वॉल्यूम पैनल की, तो वॉल्यूम पैनल आपका कुछ इस तरीके से है जिसमें 3 पैनल के साथ है और काफ़ी स्मूथ है। पावर मेन्यू भी उसी तरीके से मिल जाता है, आप यहाँ पे पावर मेन्यू को एक्सटेंड नहीं कर सकते इसके अंदर, यही रहेगा। और ऐप ओपनिंग अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी काफ़ी स्मूथ ओपन हो रहा है और फास्ट ओपन भी हो रहा है, साथ साथ एनिमेशन आपको बिल्कुल फुल मिल जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं मिलती एनिमेशन में, एनिमेशन आपको काफ़ी स्मूथ मिलता है। रिसेंट भी जो है काफ़ी स्मूथ ही है। रैम आपका 4GB के अंदर जैसे कि 1.8GB करीब जो है फ्री हमें देखने को इसके अंदर मिल जाता है। अब बात करें यहाँ पे इसके MIUI डायलर के बारे में, तो यहाँ पे कैरियर सर्विस आपको मिल जाती है जो कि नीचे से आप चाहो तो इसका इंटरफेस भी चेंज कर सकते हो सेलेक्ट करके सिंपली, तो यहाँ से ओल्ड और न्यू आप अगर करना चाहो तो यहाँ से कर पाओगे, जो कि फिर आपके 3 लाइन के अंदर देखने को मिलेगा कैरियर सर्विस का जो सेक्शन था तो यहाँ पे मिल जाएगा।
बाकी अब बात करें कॉलिंग को लेकर के, तो कॉलिंग के अंदर आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल का बग रहेगा पहले की तरह, बाकी ब्लूटूथ ऑडियो मीडियम कॉलिंग दोनों पर यूज़ कर पाओगे। और इसके अंदर आपका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो भी बिल्कुल फिक्स मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग काम नहीं करेगा। और इसका जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, साउंड भी रिकॉर्ड हो रहा है। और बात करें कैमरे की, तो कैमरे के अंदर आप सिंपली इसका डिवाइस वाटरमार्क जो है वो ऑफ़ कर देना, बाकी पोर्ट्रेट मोड आपका काम कर रहा है। एंड यहाँ पे पैनोरामा मोड का बग रहेगा, जैसे कि अरिजीत शाह के सभी बिल्ड्स में इसी तरीके से MIUI कैमरा मिलता है, उसी तरीके से सेम आपका ये भी रहेगा। वीडियो क्वालिटी 4K तक है, पर हम 1080 तक आराम से रिकॉर्ड कर पाएंगे। NFM ये जो GKM है इसका आप यूज़ कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। गूगल कीबोर्ड आप यूज़ कर लेना इसके अंदर, क्योंकि चाइनीज़ वाला रहता है तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो गूगल वाला आप कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेना। मैजिक इसके अंदर ये प्री इंस्टॉल देखने को मिला, हालांकि ये पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं था, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपका जो प्ले स्टोर है वो भी फिलहाल यहाँ पे आपका सर्टिफाइड नहीं मिलता, जैसे कि अरिजीत शाह के बिल्ड में आप देखते हो नहीं होता, उसी तरीके से ये भी नहीं है सर्टिफाइड, तो आपको करना पड़ेगा, जिसकी वीडियो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप देख लेना एक बार। और इसके अंदर एक ब्राउज़र भी मिल जाता है, बाकी यहाँ पे जो एप्लीकेशन है ज़्यादातर आपको चाइनीज़ ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको बताया चाइनीज़ बेस्ड रोम है, तो यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर या वीडियो प्लेयर देखोगे चाइनीज़ में मिलेगा। कुछ अगर एप्लीकेशन आपको बाहर से करना होगा तो कर सकते हो, बाकी कैलेंडर आप यहाँ पे इंग्लिश कर सकते हो, सिंपली सेटिंग में जाकर इसके चाइनीज़ कैलेंडर को ऑफ कर देना है, तो आपका इंग्लिश में यहाँ पे हो जाएगा। और अब बात करते हैं यहाँ पे इसके सिक्योरिटी के बारे में, तो सिक्योरिटी के अंदर ही आपको जा करके अपने गेम टर्बो में जाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से गेम टर्बो मिल जाएगा, तो यहाँ से आप अपने गेम को ऐड करना चाहो तो ऐड कर पाओगे। और गैलरी की बात करते हैं, तो गैलरी इसके अंदर लेटेस्ट मिल जाती है, जिसमें प्रोटेक्टिव वाटरमार्क ये सारे ऑप्शंस जो मिलते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एडिट के अंदर भी चल के दिखा दो इसके, तो एडिट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिल्टर्स जो हैं यहाँ पे लेटेस्ट वाले देखने को मिलते हैं, और स्काई फिलहाल तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन बाकी आपको यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको लेटेस्ट ही मिल जाएगी। जैसे कि इसके अंदर आपके किसी पिक्चर में चल के 3 मोर इसके जो मोर का ऑप्शन उस पर जाकर दिखा दो, तो क्रिएटिव आपका यहाँ पे प्रोटेक्टिव जो वाटरमार्क हो आपको मिल जाएगा। एंड टूल्स के अंदर FM नहीं मिलता इसके अंदर में, बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग टॉगल से आप इनेबल कर पाओगे, सेटिंग आपको दिखाई दिया। और अगर हम यहाँ पे बात करें ओके गूगल की, तो इसका भी बग रहने वाला, ये भी जो है इसके अंदर काम नहीं करता। एंटूटू स्कोर 165,119 देखने को इसके अंदर मिला, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। और जो यहाँ पे CPU थ्रोटलेट है वो 95% देखने को मिला, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। अब बात करें इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको रोम डाउनलोड कर लेना है और FlameGF का बेसिक कर लेना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो सिंपली करके अब आपको चलना है अपनी रिकवरी की तरफ, तो सिंपली आप अपनी रिकवरी पे आ जाना, और रिकवरी पे आने के बाद वाइप पे जाना है, और डॉल्विक कैश सिस्टम वेंडर डेटा इन पाँचों को सेलेक्ट करके स्वाइप टू वाइप यहाँ से सिंपली आपको कर देना, जो कि मैं नहीं कर रहा सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। और जब ये वाइप हो जाए तो सिंपली इंस्टॉल पर जाके अपने उस फोल्डर में जाना और रोम को सबसे पहले आपको फ्लश कर देना। रोम जब फ्लश हो जाए तो लेफ्ट साइड में वाइप कैच आएगा, तो वाइप कैच कर देना, वापस उसी फोल्डर में जाना और अपने FlameGF को भी फ्लश कर देना। FlameGF जब फ्लश हो जाए तो इसको भी लेफ्ट साइड में वाइप कैच करके, और राइट साइड में रिबूट सिस्टम रहेगा, सिंपली रिबूट सिस्टम पे क्लिक करके रिबूट कर देना, तो आपका ये जो है कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। बस यही था इंस्टॉलेशन, बाकी फिर आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, जैसे नॉर्मली टाइम लेता है 5 से 10 मिनट जो भी लगेगा, तो आप वेट कर लेना। और एक बूट एनिमेशन है जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, एंड्रॉइड सिस्टम वाला जो पॉपअप आता है रिबूट पे, वो चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो सिंपली आप उसको इग्नोर कर देना। जैसे कि अभी आपको दिखा दूँ ये आता है, तो इसको सिंपली आप इग्नोर कर देना, ओके कर देना है। और अब चलते हैं गेम की तरफ, तो गेम टर्बो आपको इसके अंदर लेटेस्ट मिल जाता है। वॉइस चेंजर का भी सेक्शन दिया गया, हालांकि ये वॉइस चेंजर काम इसके अंदर नहीं करता। स्पीकर पे भी टेस्ट किया, स्पीकर पे ही नहीं काम कर रहा है। बाकी जो ग्राफिक है वो आपको स्मूथ पे 90+ मिल जाएगी, बैलेंस पे हाई और HD पे हाई तक मिल जाती है। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलने वाले हैं। और परफॉर्मेंस के मामले में, जैसे कि आपको बताया था, मैं स्टार्टिंग में बोला था कि इसकी UI और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे एंटूटू स्कोर भी आप देखें और CPU थ्रोटलेट भी आपको दिखाया, काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। उसी तरीके से इसके अंदर परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, साथ साथ आपको फुल एनिमेशन के साथ मिलता है। बस यहाँ पे आपका सेफ्टी नेट पास करना पड़ेगा, जो कि रूट करना पड़ेगा, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद, लेकिन वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अगर बैंकिंग ऐप यूज़ करना है। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है और UI है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगी, फास्ट रिस्पांस मिल जाता अच्छा है, तो उसके अंदर भी आपको दिक्कत ऐसी कोई नहीं मिलती। तो टच रिस्पांस भी अच्छा मिल जाएगा, और आपका सिस्टम UI आपको काफ़ी स्मूथ मिलेगा, फुल एनिमेशन के साथ है, और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा ही देखने को मिल जाता है। तो चाइनीज़ वाले ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो काफ़ी फास्ट थोड़े से मिल जाते हैं, और एनिमेशन के मामले में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, स्मूथ होते हैं, और UI उनकी जो है वो भी काफ़ी स्मूथ मिल जाती थी। यहाँ पे आपको उसी तरीके से मिलने वाला था। अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहो तो रूट तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप बैंकिंग ऐप यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि आपको उसी से हाइड करना पड़ेगा, तभी आप बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे। बाकी अगर आप यूज़ नहीं करते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से यहाँ पे यूज़ करो। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर में, और आपको इंस्टॉलेशन भी समझा दिया कैसे इंस्टॉल करना है। तो बस यही था इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।